नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लाया हूँ आपके लिए आज का विचार। देखिए ना, आजकल हम सब लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, और जब हिंदुस्तानी इतिहास पढ़ाया जाता है तो उसे तीन भागों में बांटा जाता है, वैदिक काल, फिर मध्य काल और आधुनिक भारत। देखिए ना, समय बदला, भाषाएं बदली, सलीका बदला, पर रूट में तो सिर्फ एक ही ज्ञान है। मैं आज आपको वेद, उपनिषद और भगवत गीता का सारांश अपने ही तरीके से समझाना चाहता हूँ, संजय की नजर से समझाना चाहता हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये समझ गए तो समझना बहुत कुछ समझ गए, क्योंकि इसके बाद में मुझे लगता है इससे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं बड़ी कृतज्ञता से ये बात बता देना चाहता हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये वेद, ये उपनिषद और ये भगवत गीता का सारांश है, तो नजर संजय की है। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द काउंसलर शो। आई प्रिया, एंड आज हमारे साथ में है द मोस्ट टैलेंटेड एंड द करियर काउंसलर डॉक्टर संजय बियानी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू गिविंग अ सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सर, कैन आई आस्क सम क्वेश्चन? श्योर प्रिया, पूछिए। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब हमारे इंडिया को यूनिफाइड किया गया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो यहाँ पे 14 स्टेट थे, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला था कि इंडिया 14 स्टेट में नहीं, 14 कंट्री में डिवाइड हो जाएगा, बट स्टिल वी आर टुगेदर। हम अलग नहीं हुए, सारे फेस्टिवल, सारे जो कस्टम है हमारी कंट्री में हैं, और हम इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो सर, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, मतलब हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटीज के बीच में भी हम लोग इतना कोऑपरेट करके रहते हैं? प्रिया, देखिए ना, 14 स्टेट्स आपने बताया, हम इससे भी ज़्यादा रियासतों में बटे हुए थे, है ना, सैकड़ों रियासतों में ये देश बटा हुआ था। लेकिन जो हमारे इंडिपेंडेंस के समय हमारे जो सबसे अच्छा वर्क हुआ, हमने सबको ध्यान में रखा गया, इन सब रिलीजन को, इन सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और हमारा संविधान जो है उसमें सब बातें वो की जो कि एक इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए ज़रूरी थी। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात होने लगी है कि हमारे जो रिलीजन है, हम हिंदू लॉ अलग बनाए, मुस्लिम लॉ अलग बनाए, और आजकल फिर बात होने लगी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसने सबको अधिकार दिए और उस कानून को सभी लोग को मानना होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि हम सबको आज़ादी, सबको बोलने की आज़ादी, सबको सुनने की, क्योंकि आप किसी को बंद कर दो, बोलने से बंद कर दो कि तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें लिखना का अधिकार नहीं, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं, तो रिवोल्ट करेगा इंसान। पर जब उसको सफिशिएंट राइट्स की उसकी बात की गई, उसे उसे ड्यूटी से ज़्यादा उसके अधिकारों की बात पहले कर दी गई, और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल जामा पहना दिया गया, तो मुझे लगता उससे हमारे देश के अंदर हारमोनी आई, उससे रिलीजन में जो टकराव था वो कम हुआ, और न्याय की तरफ हम बढ़े हैं। सो ये एक मेजर रीजन मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा संविधान का, सबको बराबर के अधिकार देना, इंसान को इंसान समझना और इंसान को पूरी आज़ादी देना, ये इसका मुख्य कारण रहा है। बट सर, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बट हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की सब इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा है, और भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लॉज होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आई थिंक वो भी सब कोऑपरेट करके चलते हैं, तभी इतना कुछ पॉसिबल हो पाता है। आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इसका कारण नहीं है, बल्कि हम ये कहें कि हमारा जो हजारों साल पुराना जो हमारा बैकग्राउंड है, जिसमें हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है, हम किसी को हर्ट नहीं करते, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम बिना मतलब किसी एनिमल को मार नहीं सकते से घबराते हैं, हम लोग हम नहीं करते ये काम, है ना। जैनिज़्म भी रहा यहाँ, बुद्धिज़्म भी यहाँ पर यहीं से निकला, तो इसने हमारे को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, और हम सब एक दूसरे से मिलकर रहना सीख गए। हम बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा टफ नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा रफ नहीं हैं, हम किसी को जल्दी से मार देना नहीं चाहते, हम जल्दी से किसी को दबा देना नहीं चाहते, ये हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं समा गया है।
और ये हमारी जो पुरानी जो बैकग्राउंड है वो भी इसका एक कारण है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका कारण नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द रीज़न, लेकिन मेन कारण तो हमारा हमारी पुरानी जो समझ है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग है, जिसमें हम सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की इमोशंस का केयर करते हैं, ये एक लंबे समय तक चलता रहा और हमारे डीएनए में ये बात आ गई, इसलिए हम किसी को हर्ट नहीं करते और हम सबको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। हम रिलीजन को, हम न्यू ईयर डे भी बनाते हैं तो हम ईद भी बना लेते हैं और हम लोग दिवाली भी बना लेते हैं और हम गुरुवाणी भी बोल लेते हैं और हम लोग, हमारे यहाँ कोई नमाज पढ़ रही होती है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मुझे लगता है कि वास्तव में यही ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा रिलीजन है। हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सबको आखिरकार ह्यूमैनिटी तो सबसे बड़ी एजुकेशन है। अगर आप सबको समझ लेते तो आप अपने आप को भी समझ लेते हैं। सो मुझे लगता है कि ये इस देश की यूनिकनेस है, ये खास बात है कि हमारे यहाँ अपराधी को भी हम तुरंत सजा नहीं दे देते, हम उसको भी बोलने का अवसर देते हैं, उसको भी बराबर का अधिकार देते हैं। मुझे लगता है आज इस देश में कितनी भी समस्याएं आ जाए पर ये जो उसकी सोच है इसको सस्टेनेबल बनाई हुई है। और कितने रिलीजन आए, सब रिलीजन छोटे छोटे हैं, पर अब हमारा जो हिंदू वे ऑफ थिंकिंग है ये सबसे पुराना है, है ना, ये सबसे पुराना है, ये कुरान से भी पुराना है, ये पुरानों की बात है। सो दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ और ये वे ऑफ लाइफ ही शायद हमको लंबा ले जाता है, क्योंकि जो कट्टर हुए ना वो ख़त्म हो गए, जिनमें कट्टरता थी वो ख़त्म हो गए, लेकिन वही लोग जो सहिष्णु थे, जो 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 बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के लोग थे, वही सस्टेनेबल रहे, है ना, वो सेंसिबल लोग ही सस्टेनेबल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। माई सेकेंड क्वेश्चन इज, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने नेबर कंट्री का, लाइक म्यांमार, वहाँ पे जो रोहिंग्या कम्युनिटी है और जो बुद्धिस्ट के बीच में हमेशा क्राइसिस चलते रहते हैं, वो लोग छोटी सी बात पे इतना बड़ा मतलब हंगामा करते हैं और रिफ्यूजी का केस तो हमें देखने को मिलता है हर बार न्यूज़पेपर में, तो सर वो लोग कैसे इसको बैलेंस नहीं कर पाते, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सब कुछ होता है वहाँ पे भी, हमारे जैसे इंडिया है वहाँ पे भी वैसे सारे लॉज हैं, बट वो लोग फिर भी इतना हैंडल कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, दो कम्युनिटी के बीच में क्राइसिस चलते रहते हैं। लाइक हम श्रीलंका भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे इंडिया में रिफ्यूजी के केस देखने को मिलते हैं, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी हमें साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट्स के बीच में क्राइसिस चलते रहते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सर, जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक USA, जहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे फर्स्ट पे आई थिंक है, लेकिन वो लोग भी इतना हैंडल नहीं कर पाते जितना कि इंडिया में हम लोग कर पाते हैं। तो आई थिंक सर हम यूनिक ही हैं, हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी। यस यस, देखो ना 800 साल तक मुगल रहे तो हिंदू और मुस्लिम बहुत प्यार और मोहब्बत से रहे, 800 साल तक लगातार मुस्लिम और हिंदू का साथ में रहना इसका एग्जांपल है। फिर 200 साल तक ब्रिटिश आए तो उन्होंने बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट किए, है ना, वेस्ट बंगाल के नवाब से हमारी झगड़े हुए, उनको मीर जाफर का केस आया, मीर कासिम का केस आया, लोग आपस में मिलकर रहे, तो 200 साल ब्रिटिश हुकूमत रही और 800 साल अभी हमने देखा मुगल काल भी रहा, और उसमें दीने इलाही अकबर का जो धर्म है वो भी प्रचारित हुआ, तो हम इन सब चीज़ों को एडजस्ट किए हम, क्योंकि हम जानते थे कि आखिर हमको पीस चाहिए, हमको हैप्पीनेस चाहिए, लव चाहिए, कंपेशन चाहिए। सो ये समझ हमारी बनी और लंबे समय से समझ बनी हुई है, और लंबे समय से हम जब रहते हैं तो वो हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं चले जाती है। सबको साथ में लेकर, सबके साथ में रहकर, सबको बर्दाश्त करना और सब चीज़ों को, क्योंकि जीवन का उद्देश्य किसी को सताना, किसी को धर्म की झंडा लहराना ये तो है नहीं, सब धर्म में एक ही बात लिखी हुई है, प्यार मोहब्बत के साथ रहना, वो हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण हमारा बना हुआ है, और उस वजह से हम बहुत जल्दी फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी हम सहज भी हो जाते हैं, और इसी वजह से हम सस्टेनेबल है। बाकी आप देखेंगे, आपने अभी US की बात की तो कितने साल का इतिहास है, ये 200-400 साल का इतिहास है, लेकिन हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। हम तो अगर लेटेस्ट बात करें तो चंद्रगुप्त 1000 साल पहले की बात है, तो हमारा जो कुरुक्षेत्र का युद्ध वो 3000 साल पुराना, ये तो ऐसी चीज़ें जो कि अभी हम अभी तुरंत रिलेट कर लेते हैं, है ना, मुगल काल और इन सब पीरियड को हम अभी आसानी से रिलेट कर सकते हैं। सो हमारी एक लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, लॉन्ग वे ऑफ लाइफ है ना, हमारे में सहिष्णुता है,
ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, पर एट द सेम टाइम हम पिछले 300 सालों से बहुत इफेक्टेड हुए. हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर से बहुत गलत चीज़ें सीख ली है. हम सेल्फिश हो गए, हमारे यहाँ करप्शन बढ़ गया है, हमारे यहाँ डिस्प्यूट्स बढ़े, और वो डिस्प्यूट इतने थे कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में ऐसे ऐसे गद्दार हो गए जिनका नाम अभी मैंने लिया, मीर जाफर, जिनकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत आ गई यहाँ पे पूरी तरह से. हम 300 साल पहले ऐसे इतने बुरे नहीं थे, पर 300 साल से हमारे डीएनए में, हमारी सोच के अंदर वेस्टर्न कल्चर और बाहर के लोगों का प्रभाव पड़ा, और हम उन्हें फॉलो करें, क्योंकि हमारे पास जो हुकूमत होती है वो हुकूमत से हम प्रभावित हो जाते हैं, हम उनकी कॉपी करने लगते हैं. कभी मुग़ल आए तो हमने पैजामे पहने, और कभी कभी ब्रिटिश आए तो हमने पेंट शर्ट को कबूल कर लिया. हम अपनी चीज़ों को भूल गए, और हम जैसे ओरिजिनल थे वैसे नहीं रहे, लेकिन वो प्रभाव आज भी हमारे अंदर है. वो जो डीएनए हमारे थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ इतने रिलीजन, इतने धर्म और ये सब चीज़ें बहुत सस्टेनेबल रहते हैं और चलते हैं, और हम सब सब में खुश रहते हैं. ऐसा ऐसा है, इसलिए हमारी लॉन्ग जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लॉन्ग समझ है, जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो दूसरे मुल्कों की नहीं है. इस वजह से हम लोग ईजीली चीज़ों को सस्टेन कर लेते हैं. मतलब हमने हुकूमत से जीना सीख लिया था पहले से ही. यस यस, हमने हमने लाइफ को सहजता से लिया. सर अब सब कुछ सही है, हम इतना कोऑपरेट करके चल रहे हैं, और अभी वर्ल्ड में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी है. हम एशिया में आई थिंक पावरफुल कंट्री में आते हैं, जहाँ भी नाम होता है. पहले एशियन पैसिफिक ओशियन का नाम होता था, अब इंडो पैसिफिक ओशियन बोला जाता है. तो आई थिंक एशिया में इंडिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एशिया में डेवलपमेंट कर रहा है, और आई थिंक हम और भी आगे बहुत सारी ग्रोथ करेंगे. हम इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ में रह के भी आई थिंक हम पावरफुल बनेंगे, और आई थिंक हम डेवलप्ड कंट्री में हमारा भी एक दिन नाम होगा, रैंक होगी. मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि हमारा कंट्री इस समय एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है ना, और हम अपने अपने हम अपने आप में प्राउड फील करने लगे हैं, और हमारा जो कल्चर है वो वर्ल्ड भी रिकग्नाइज करने लगा है. हमारे जो योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन से उसके लोग कायल होने लगे हैं. ये देश वापस अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ बढ़ रहा है. हमने ब्रिटिश सिलेबस को अपनाया, और अब धीरे धीरे हम उससे आने वाले इफेक्ट को समझने लगे हैं. मुझे लगता है ये देश बहुत बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, और वो ये दिन वापस दूर नहीं जब हम फिर सोने की चिड़िया कहलाएंगे, और हमारा नॉलेज रिकग्नाइज होगा, और हम लोगों को वे ऑफ लाइफ सिखाएंगे, जीना सिखाएंगे, और सहिष्णुता सिखाएंगे, प्रेम सिखाएंगे, जो कि हमारे ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग है. मुझे बहुत आशा है कि हमारा देश हमारे ही समय में एक बहुत ऊँचाई को छुएगा, और हम एक वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल बनेंगे जीना कैसे होता है, और इमोशनली और साइकोलॉजिकली फिट कैसे रह जाता है, और प्रॉस्पेरिटी किसे कहते हैं, उसे हम अपनी ही लाइफ के अंदर होते हुए देखेंगे. ऐसा मुझे लगता है प्रिया, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है. यस सर, आज मुझे फाइनली मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. मैंने बहुत न्यूज़पेपर में ट्राई किया, सबसे पूछा, बट ऐसा आंसर आई थिंक मुझे कभी नहीं मिला जो आपने मुझे इतना सारा बताया हुकूमत के लिए. इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, शब्द. Successful in life, communication skills and a good personality are of paramount importance. So whether you are a student, a homemaker or a businessman, communication skills and a great personality is what you need. So we are here with a series of programs and trainings to help you groom that personality and discover a new you. So whether you are a businessman, an academic student or a homemaker, you require good communication skills and a great personality. So I'm here to tell you the various trainings you will undergo in our course on designing your personality. The first is communication skills. We know in nowadays times, communication skills are very important, be it a person who's looking for a job
or a homemaker who goes out for parties, yes, you require those excellent communication skills. So we will very extensively cover different topics that would enhance your communication skills. Body language. Do you know 70% of what you are conveying is conveyed through your body language? More than the words that you speak, it is your body language that matters. So here we are going to tell you in details that how you can have the positive body language to give a wonderful impact on the people you are having a conversation with. So yes, body language is important. Social etiquettes. The new age adage is social etiquettes. How we behave when we are interacting with people, how to have that wonderful handshake or that smile you need to carry while interacting with people. All these cover under the topic social etiquettes. And we do not end here. We move on to telling you as a professional business etiquettes as well. So social etiquettes and business etiquettes. We all know the importance of time. Time management. Whether you are a homemaker, a student or a businessman, you know that time equates to money and value. Time is precious. We train you how to prioritize your goals and effectively do time management. We do not end here. We go a notch higher by telling you how you can actually manage your own self, your strengths, and play on them to be successful. So time management is the key and we bring out the best in you. English speaking and vocabulary building. Yes, when you go out there and talk with your friends or in a group, you need to have good content to speak. Your English should be flawless as well as a good vocabulary would be doing the trick. So we will help you to develop that vocabulary and speak English with ease. With English communication skills and vocabulary building. For a student who's looking for a bright career or wants to go into the corporate or government organizations, interviews is a thing they fear. We are here to remove that hesitation and fear, not just for the interviews but the group discussions as well. We give you simple training to face those interviews with ease and aplomb, so that you can smoothly carry forward the interviews. And in the group discussion, we will train you to become the leader and the initiator and have so much to talk on any topic. So group discussions and interviews. Public speaking and speaking in groups. We all have the fear of going out and speaking in front of public. So we are here to train you to remove that hesitation and fear of speaking in front of people. We will train you and groom you to get that confidence out of you and help you be that star speaker in front of a number of people and even in group interactions, how you can go ahead. आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, एक खास मुलाकात में फिर आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो के अंदर बियानी स्टूडियो में अंकित मेहरा जी। अंकित जी वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूशन। अंकित जी जो है बहुत ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। अंकित जी एक लाइफ कोच की तरह भी वर्क करते हैं और आप दिल्ली में लोकेटेड है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज हमें उनसे मुलाकात करने का, बात करने का अवसर मिल रहा है। और एक खास और गेस्ट हमारे बीच में लक्ष्मी जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और दिल्ली में ही प्लेस्ड हैं और हमारे को हेल्प करेंगे क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिविल सर्विसेज के बारे में भी एक्सपीरियंस और उनकी टीचिंग का और उनके ऑनलाइन एजुकेशन का ये एक्सपीरियंस इस आज के शो को कोई विशेष बनाएगा, खास बनाएगा। सो शुरुआत करते हैं, पर मैं आपको इंश्योर करता हूँ जब हम बैठेंगे 10 मिनट बाद उठेंगे तो नॉलेजेबल होकर बनेंगे, क्योंकि हर समय जी लो भरपूर, सीख लो भरपूर। जो सीखेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं सीखेगा वो तो रुकेगा। सो आइए अंकित जी, हम आपसे एक बात जान ही लेते हैं क्योंकि आप बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं,
उस कोर्सेज का सर्टिफिकेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी करती है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। सर आपका क्या मानना है, क्योंकि हम दोनों तरफ देख रहे हैं, एक तरफ बच्चे सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर है, और सबका रुझान अभी इस वक्त सिविल सर्विसेज की तरह है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है, आने वाला जो फ्यूचर है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का होने वाला है। जिस तरह से हमारी सरकार निर्णय लेती जा रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती जा रही है, पोर्टल के ऊपर काम होने लगे हैं, मुझे लग रहा है ये कुछ समय बाद कॉर्पोरेट बहुत आगे रिफाइंड होकर आएगा। सो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको एजुकेशन में और कॉर्पोरेट में हम किस तरह से यूज़ करें, यूथ को किस तरफ जाना चाहिए, और उसे एम्प्लॉयबिलिटी के लिए किस तरह से उस कॉर्पोरेट में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको किस तरह से उसको लिया जाना चाहिए। संजय जी देखिए, मैंने जो पिछले कुछ सालों में एजुकेशन के साथ और कॉर्पोरेट के साथ काम करके देखा है, पाया है, वो ये देखा है कि आजकल चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात करें, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, हर जगह टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। हर जगह जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह जो बेसिक स्किल्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल है। जैसे हम कभी जब हम छोटे थे तो हमें कैलकुलेटर चलाना एक मैंडेटरी स्किल होता था, आजकल कंप्यूटर चलाना एक मैंडेटरी स्किल है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता यानी आप कहीं पे भी किसी भी तरह की जॉब नहीं कर सकते। और इसी के साथ जो कॉर्पोरेट के जाइंट्स हैं, जो जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जो वर्ल्ड के नामी यू नो कंपनीज हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोब हो गया, ऑटोडेस्क हो गया, एडोब बाकी लोग हो गए, इन लोगों ने एजुकेशन में आगे बढ़ के कुछ सर्टिफिकेशन लॉन्च की, कुछ कोर्सेज लॉन्च किए। वो ये कहते हैं कि आप अगर किसी भी तरह की स्किल लेना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में, वो स्किल आप कहीं से भी लीजिए, वो ट्रेनिंग आप कहीं से भी लीजिए, अपने कॉलेज में लीजिए, स्कूल्स में लीजिए, एंड उस स्किल पे हम आपको एक सर्टिफिकेशन, एक मान्यता हम देंगे कि आपको वो स्किल आती है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये आती है कि जहाँ अभी तक एक बच्चा सिर्फ एक अपने एक ऐसी डिग्री लेता है या फिर एक ऐसा डिप्लोमा करता है जो सिर्फ उसकी कंट्री में वैलिड है, वहीं उसके साथ साथ वो अब टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसा क्रेडेंशियल, एक ऐसी मान्यता ले सकता है जो पूरी दुनिया में वैलिड है। तो अगर आप मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बयानी की बात करते हैं, बयानी के साथ ऑलमोस्ट 8-9 साल से हम काम कर रहे हैं, बयानी के सारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड होते हैं, इसका मतलब यह है बयानी के सारे बच्चे दुनिया में कहीं भी जाके जॉब के लिए एलिजिबल हैं। वो अगर दुबई जाते हैं, वो अगर अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज में, अगर हायर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन वैलिड है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी हम बच्चों को एक ग्लोबल सिटीजन बना रहे हैं, हम बच्चों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बच्चा सिर्फ जयपुर में ही काम कर सकता है, सिर्फ राजस्थान में ही कर सकता है, सिर्फ भारत में ही कर सकता है। ये बच्चा अगर भारत के बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो उसे वहाँ भी उतनी ही आसानी से जॉब मिलेगा जो यहाँ से यहाँ। पर अंकित जी, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि आप जब सेकेंड ईयर में थे या थर्ड ईयर में थे तो आपने एक माइक्रोसॉफ्ट कोर्स कर लिया, अब आपको आज से 5 साल बाद आप अपने काम करते हैं, जब आप मास्टर्स कर लेते हैं या PhD कर लेते हैं, तो वो जो सीखी हुई बात है 3 साल पहले, 2 साल पहले, वो कितनी रेलिवेंट रह पाती है, मतलब वो वास्तव में उनको एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ पाती है, कितनी रेलिवेंट रह। देखिए, रेलिवेंसी की बात यहाँ तक है कि अगर कोई भी आप सर्टिफिकेशन की बात करें या कोई भी अगर स्किल की बात करें, मैंने कुछ भी अगर आज सीखा है, अगर वो चीज़ मैंने अपने काम में वो ढाल ली है, तो वो आगे मैं कहीं पर भी करूँगा यूज़ होगी, कहीं पे करूँगा इस्तेमाल होगी। एग्जांपल कर रहा हूँ MS Office की, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, जैसे हम मॉस का करते हैं, MS Office अगर मैंने एक बार सीख लिया, मुझे पता है प्रेजेंटेशंस कैसे बनती है, मुझे पता है एक्सेल पे डेटा कैसे बनता है, आज से अगर 10 साल बाद भी मैं प्रेजेंटेशंस पे काम करूँगा, 10 साल बाद भी वो स्किल्स पे काम करूँगा, तो मेरे लिए वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि सब ये चीज़ तो हमें आती है, इसमें सर्टिफिकेशन से क्या होगा, तो ये सर्टिफिकेशन से क्या वैल्यू एडिशन होता है? इनफैक्ट जब हम सर्टिफिकेशन या किसी भी ऐसी चीज़ पे काम करते हैं, जब हम कोर्स करते हैं ना, तो एक रोड मैप फॉलो करते हैं, एक गाइडलाइन फॉलो करते हैं जो कंपनी ने दी है कि अगर आप इस रोड मैप से पढ़ाई करेंगे तो आप सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप अपने आप से पढ़ेंगे तो क्या होता है कि मान लीजिए हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम में से बहुत लोग, मैं बहुत सालों से पावर पॉइंट पर काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 35 साल हो गए पावर पॉइंट, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे पावर पॉइंट का सिर्फ इतना पता था स्लाइड बनती है, एनिमेशन होता है, बस हो गया। आज की डेट में अगर आप उसी चीज़ को आगे बढ़ाएं, आप पावर पॉइंट पे वीडियो बना सकते हैं, आप पावर पॉइंट पे पूरी पूरी मूवी खड़ी कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जो बच्चों को तभी समझ में आता है जब वो एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन चीज़ फॉलो करें। अगर आप स्ट्रक्चर्ड मेथड किसी भी चीज़ का फॉलो करते हैं तब आप उस चीज़ को पूरी तरह कवर कर पाते हैं और तब वो स्किल्स आपके अंदर आती हैं। अगर आप सिंपली किसी को
नॉर्मली पढ़ के या ऐसे ही टच करके करेंगे, हम सब की बात करते हैं, हम सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, सब स्मार्टफोन करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। अब बच्चों को आप देखिए, क्योंकि वो हर चीज़ यूज़ करते हैं उसके अंदर, उनको पता है डिटेल में कि स्मार्टफोन चलता कैसे है। कोई प्रॉब्लम आती है, हम अपने बच्चों को बोलते हैं भैया ठीक कर दे। अगर यही बात हम अपने थोड़े एजेंट लोगों से बोलें जो आप 40s या 50s के ऊपर हैं, उनको आसानी से स्मार्टफोन के सारे फीचर पता भी नहीं होते। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्टिफिकेशन है, उसे कॉर्पोरेट किस तरह से लेता है? मतलब कॉर्पोरेट के लिए ये अल्टीमेट बेंचमार्क है, क्योंकि कॉर्पोरेट के लिए माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि इस बच्चे के अंदर जो स्किल्स हैं, जो इसने इस सॉफ्टवेयर पर काम किया हुआ है, इसको मैं सर्टिफाइड कर रहा हूँ कि हाँ इसे सॉफ्टवेयर आता है। इस लाइक कि माइक्रोसॉफ्ट खुद कह रहा है कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है और मेरे सॉफ्टवेयर पर मैंने ही इसे टेस्ट किया। तो कॉर्पोरेट के लिए पूरी दुनिया अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ अ बेंचमार्क। वो कहता है कि हाँ इससे बेहतर बच्चे आपको नहीं मिल सकते, बिकॉज इन्होंने इनको मैंने सर्टिफाई किया है, इनके टेस्ट मैंने लिया, इनका एग्जाम मैंने लिया है। और सबसे बड़ी बात, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का अपना नाम जुड़ा हुआ कॉर्पोरेट्स के साथ, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेट्स में वैसे भी डायरेक्टली भी काम करता है, जब ये बच्चा कॉर्पोरेट में जाता है और जब आगे कॉर्पोरेट में अपना करियर बढ़ाता है, तो कंपनीज में क्या होता है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बहुत सारी सॉफ्टवेयर वगैरह माइक्रोसॉफ्ट एडोबी बाकी कंपनीज आके करती हैं। जब उनको अपने ही सर्टिफाइड प्रोफेशनल वाले बच्चे मिलते हैं ना, उनका करियर ग्राफ, उनका लर्निंग ग्राफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप एक बच्चा जो सर्टिफाइड नहीं है वो एक जॉब करता है एक इंजीनियर की, और एक बच्चा जो सर्टिफाइड है, चाहे वो किसी से हो, माइक्रोसॉफ्ट से हो, ऑटोडेस्क से हो, एडोबी से हो, वो एक जॉब करता है, अगर आप 10 साल बाद देखेंगे तो दूसरा जो बच्चा सर्टिफाइड है उसकी सैलरी ऑलमोस्ट नॉन सर्टिफाइड बच्चे से डबल होगी, उसे प्रमोशन ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि उसने पहले लेवल पर मोटिवेशन दिखाया और उसे हर चीज़ ऑन एज ज़्यादा समझ में आएगी, वो हर काम और अच्छे से कर पाएगा, बिकॉज उसे पहले से उस इंडस्ट्री का, उस सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ नॉलेज है। दूसरा बच्चा जब तक सीखेगा, इंडस्ट्री में अपने पैर जमाएगा, ये बच्चा आगे निकल जाएगा। ग्रेट, सो ये बात बहुत अच्छी है कि एक स्किल्ड पर्सन, एक ट्रेंड पर्सन, एक एक्सपर्ट डेफिनेटली एक एफिशिएंसी लेकर आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ये तभी पॉसिबल है। ये ठीक शायद वैसा ही है जैसे कोई कार का ड्राइविंग है, एक सेल्फ सीखता है तो कितनी गलतियाँ करता रहता है और कोई 10-100 साल लग जाते हैं उसको परफेक्ट चीज़ों को समझने में, लेकिन वही उसको अगर 5 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो कितना इकोनॉमी कर सकता है, कितनी फ्यूल एफिशिएंसी ला सकता है, शायद कुछ इसी तरह की बात होगी जो इस इंडस्ट्री में भी लगती होगी। सो मैं फाइनली आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा अंकित जी, कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बच्चे आजकल किस तरह से अपनी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए या ऑनलाइन सर्टिफिकेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने CV को अच्छा बना सकते हैं, अपने अपने जो जॉब प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग जो वर्कर्स हैं? सर हमारे ज़माने में अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि हम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ वही कोर्स पढ़ सकते हैं, हमारे पास दूसरा कोर्स पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं है, कहीं जाना पड़ता था। टेक्नोलॉजी ने सबसे अच्छा काम एक ही किया है कि सारे आयाम खोल दिए हैं, बच्चा कहीं पर भी किसी भी वक्त कुछ भी पढ़ सकता है। अगर आज मैं एज ए इंजीनियर कोई कोर्स कर रहा हूँ और मैं चाहूँ कि उसके साथ साथ मुझे कंप्यूटर का कोर्स करना है, कोई पर्सनलिटी डेवलपमेंट कोर्स करना है, इंग्लिश का करना है, जैपनी सीखनी है, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं जाके सीख सकता हूँ अपने घर के कंफर्ट में। मैं चाहे गार्डन में बैठ के सीखूँ, मैं चाहे अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ तब सीखूँ, मैं कभी भी सीख सकता हूँ, किसी भी माध्यम से सीख सकता हूँ, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो TV हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, आप हर जगह हर चीज़ आपका गुरु है। कमाल है ये तो, क्योंकि हमारे दादा और हमारे फादर के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन हम आज जो इस मायने में आज का यूथ बहुत लक्की है कि वो गार्डन में बैठ के अपनी मनपसंद जगह बैठ के पहाड़ पे जाके भी बैठ के अपनी स्टडीज कर सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है और अपने ढंग से सीख सकता है। उसे ऐसा नहीं है कि हमारे घर क्या होता था, क्लासेस हैं, अगर क्लास मिस हो गई तो दूसरी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो गया। यहाँ पे आप एक ही वीडियो बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता। आपको जिस तरीके से आता है, आपको कार्टून सीरीज समझ में आती है, आप एनिमेशन देख के सीखिए, आपको खुद करके आता है, आप प्रैक्टिकल करके सीखिए, जिस माध्यम से जिस तरह से आपको जो भी चीज करनी है आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल। अच्छा अंकित जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूट्यूब के अलावा है ना, गूगल के अलावा, सर्च इंजन के अलावा, और कौन कौन से आप यूथ को सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म आप और यूज़ करिए अदर देन यूट्यूब, विकिपीडिया और गूगल के अलावा? ऐसे कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूथ यूज़ कर सकता है? देखिए, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने, जो बड़ी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मैं सबसे कॉमन नाम लेता हूँ, एडेक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है, edx.com, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ है, जिसपे सारे कोर्सेज फ्री हैं, बच्चे उस टाइप के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं।
किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी आपको जिस भी फील्ड में आपको सीखना है, आपको जो भी इंडस्ट्री में सीखना है, आप उस इंडस्ट्री को सिंपली गूगल पर सर्च करिए कि फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम गूगल कोर्स फ्री, सिर्फ इतना कोड वर्ड डालेंगे आपके पास हज़ारों कोर्सेज आ जाएंगे जो गूगल से सर्टिफाइड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और कहीं ना कहीं उस पर ही है। कोर्सेरा, यूडेमी, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज देती हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं अपार्ट फ्रॉम फेसबुक, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब और गूगल, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि नहीं कोई चीज़ मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आ रही, अब आप मोबाइल तो छोड़िए अपने टीवी के जरिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा। अगर हम टाटा स्काई आजकल देखते हैं, डिजी टीवी जो भी देखते हैं, सब में एजुकेशन चैनल हैं, सब में बच्चों के पास अलग अलग ऑप्शंस हैं सीखने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स इतने अच्छे हैं जो आपको अपने देश के बारे में और दूसरे देशों के कल्चर के बारे में, बाको आपकी स्टडीज़ के बारे में, आपको पीछे आपके एशियन पास के बारे में सब कुछ सिखाते हैं। और हर चीज़ आपस में क्रिएट है, हर चीज़ आपस में मिलती है। पहले होता था कि हम लोग अगर कोई सी ए कर रहा है तो सिर्फ सी ए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है सिर्फ इंजीनियरिंग कर रहा है, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल इंजीनियर भी जब जाएगा तो इंजीनियर भी जाके आगे आके बिजनेस संभालता है, या इंजीनियर भी आगे जाके किसी अकाउंट्स की फील्ड में चला जाता है या एजुकेशन में आ जाता है, या फिर अगर कोई बीएड वाला बंदा है वो आगे जाके बिजनेस कर लेता है या इंजीनियरिंग फील्ड में आता है। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज़्यादा आपस में कोलैबोरेशन बढ़ चुका है, और सब इसलिए क्योंकि हर चीज़ ओपन है, सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप कभी भी किसी भी टाइम कैसे भी कुछ भी सीख सकते हैं। ग्रेट अंकित जी, आपने बहुत सारे नाम लिए हैं और मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हमें और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम 7 साल से काम कर रहे हैं और आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है गुरु केपीओ है ना। केपीओ का हमने सोचा था नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो ये गुरु केपीओ जो है, क्योंकि आपने तो इतने पोर्टल देखे हैं, इंडिया की कंटेक्स्ट में मैं बात करूँ कि आप दिल्ली में बहुत सारे पोर्टल चल रहे होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पोर्टल चल रहे होंगे, सो ये लगभग 2500 वीडियो हमने इसमें अब तक अपलोड किए हैं और हमने क्वालिटी कंटेंट भी डेवलप करना स्टार्ट किया है। सो आपका व्यू पॉइंट क्या है, मतलब ऑल अबाउट गुरु केपीओ, आपको कैसा ये प्लेटफॉर्म लगता है? मुझे ये प्लेटफॉर्म पहली बात तो बहुत इंटरेक्टिव लगा, सबसे अच्छी बात है कि इस पर जो कंटेंट है वो आज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। मैंने काफ़ी देखा कि आप बहुत अलग किस्म का कंटेंट ला के डालने की कोशिश करते हैं कि हाँ कभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बात हो रही है, कभी लैंग्वेज पे बात हो रही है, कभी स्किल्स पे बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मोनोटोनस नहीं है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है कंटेंट में जो होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे उस पर से आसानी से सीख सकते हैं। जो मैं प्लस पॉइंट ऐड करने को बोलूँगा ये कि इस कंटेंट को और ज़्यादा रीजनल से ज़्यादा हटके थोड़ा ग्लोबल और बनाया जाए तो और बेटर होगा। ग्लोबल का मतलब है क्योंकि अभी क्या होता है, गुरु केपीओ आप सिर्फ हिंदी बोलने वाले ज़्यादा देख पाते हैं, इंग्लिश बोलने वाले देख पाते हैं। रीजनली मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन की, जिनके पास जिनको ज़रूरत है चीज़ें सीखने की, लेकिन उनकी लैंग्वेज में या उनके लेवल पे चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। तो अगर हम रीजनल लैंग्वेज में ऐड करें वो एक प्लस पॉइंट होगा। हम कुछ ऐसी स्किल्स ऐड करें जो नॉर्मली बच्चों को ऑनलाइन एक्सेस नहीं मिलती, तो वो उसमें प्लस पॉइंट होगा। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बच्चों को और बढ़ावा दें, डायरेक्शन देना हमारा काम है। बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं और आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से उन बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। सो मैं अब हमारे बीच में एक और मेहमान है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्रोफेशनल है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद में जो लक्ष्मी जी का इंटरेस्ट है कि स्कूल को डेवलप करना है, और विशेष बात यह है कि सिविल सर्विसेज का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो मैं सिविल सर्विसेज के बारे में मेरा स्पेसिफिक सवाल होगा लक्ष्मी जी आपसे कि ये जो सिविल सर्विसेज के जो हम पढ़ाई करते हैं, इसके लिए बच्चे जो रूरल एरिया में, उन्हें दिल्ली आना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है, सो ऑनलाइन ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो और बच्चे ऑनलाइन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे करें, इसके बारे में आपसे? अभी तो आप अगर देखें तो अभी कोई बैरियर नहीं है, कहीं पे भी कोई भी बैरियर नहीं है कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा या अच्छा। कहीं बॉम्बे जाना पड़ेगा या आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, अभी ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा। पढ़ना है तो डिजिटलाइज हो चुका है सब कुछ, तो आप ईजिली यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप ईजिली पढ़ सकते हैं। तो आप अगर देखें तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस, इवन जो दिल्ली में इंस्टीट्यूशंस हैं, बाहर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने खुद ने अपने ऐप बनाई हुई है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हो, जैसे एन अकेडमी हो गया, सिविल सर्विस का हो गया, बैंकर अड्डा हो गया, काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो खुद से इम्प्रूव करते हैं कि बच्चा खुद इनरोल करे, खुद सब्सक्रिप्शन ले,
तो उसमें करें, उसके बाद वो खुद अपनी टेस्ट देते हैं, खुद एडुकेशन देते हैं, लाइव कोचिंग देते हैं, तो वो भी इजीली अवेलेबल है। सो आपके हिसाब से ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि कोई दिल्ली जाके इस तरह की एजुकेशन ले. अब ना ऑनलाइन ये सब चीज़ें इक्वली गुड मिल जाती है स्टूडेंट्स को. सो ये बहुत अच्छी जानकारी है. और कुछ मैसेज जो लक्ष्मी जी गर्ल्स को आप देना चाहेंगे कि स्पेशली गर्ल्स के लिए ये है कि जरूरी नहीं है कि हम लोग बाहर निकलें तो ही हम कुछ कर पाएंगे। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना है अपने अंदर, और हम जो भी करना चाहते हैं, हम थ्रू डिजिटलाइजेशन हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपना फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं घर पे बैठ के, या फिर हम कुछ भी चाहें, अगर हम लाइक हम रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो हम वो भी बन सकते हैं। इवन घर पे बैठे बैठे हम ऑनलाइन चीज़ें देख के सीख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ये कहा जाए हमेशा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको घर पे रहना पड़ेगा। तो हम सब कुछ इजीली अभी के डेट में ऐसे कर सकते हैं कि कुछ भी अगर हम चाहते हैं तो हम डिजिटलाइज होके अच्छे से वर्क करें। चलिए तो बहुत अच्छी बात है. मैं आज हमारे को बहुत अच्छी और नवीन जानकारियाँ मिली हैं, और मुझे लगता है कि यूथ को आज इस बात की बहुत ज़रूरत है, और वो बहुत फ्रेंडली भी फील करता है कि अपने मोबाइल पे पढ़ने को वो बहुत अच्छा भी फील करता है. सो मैं चाहूँगा लगे रहिए, कोई बात नहीं, कुछ मोबाइल में कुछ कमी भी है तो कुछ ताकत भी है. हम तो ताकत लें ना, हमारी टेक्नोलॉजी से हम ताकत को उठाएं. सो अगर अगर हमने वास्तव में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, पैशनेट है और आप लाइफ में एकदम फोकस्ड है, और फोकस्ड रह के आप टेक्नोलॉजी के साथ में उसको यूज़ करते हैं, तो अपने करियर को कहीं भी पहुंचा सकते हैं. अब वो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं दूर जाके पढ़ने की ज़रूरत है. बस मन में इच्छा होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर देखिए जमाना आपको सलाम करने को तैयार बैठा है. बहुत ही भाग्यशाली है आप सब लोग. आपको फिर बधाई देना चाहूँगा, और मैं अंकित जी को दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा. धन्यवाद लक्ष्मी जी, आप भी आज स्टूडियो में आए और इतनी उपयोगी जानकारी दर्शकों के साथ शेयर की. लगे रहिए, मिलते रहिए, इसी तरह से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकन को भी बजाते रहिए, दबाते रहिए. निश्चित रूप से हम आपके लिए नॉलेज लाएंगे, अपडेशन लाएंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से और एम्प्लॉयबिलिटी की बातें लेकर आएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ कि फिर मिलेंगे. शुक्रिया, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है. बात हो सफलता की या जीवन की, या जीवन के हर अंदाज की, हम करेंगे दिल की बात आपके साथ. नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम दिल की बात आपके साथ. आज फिर एक नया आइडिया और एक बेहतर आइडिया. मुझे लगता है कि इसके बाद आपको थोड़ा अच्छा फील होगा. सवाल जो आज का है वो ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है. सबके पास अपने अपने जवाब है. कुछ लोगों के पास जवाब है, सर पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. कुछ का कहना है, नहीं सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश है. कुछ कहते हैं, सर मेरी इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास जो है मनपसंद कोर्स नहीं है. कुछ लोगों का कहना है, मेरे पास मनपसंद मकान नहीं है. कुछ लोगों का कहना है कि मेरे पास मनपसंद गाड़ी नहीं है. क्या ये हमारी असल में प्रॉब्लम है? हमारी असली प्रॉब्लम क्या है ये पता चल जाए तो मज़ा आ जाए. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं भी बाहर नहीं है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर है. ये बात अगर समझ में आ जाए तो हमारे में बड़ा बदलाव आएगा. देखिए ना, आप पिछले वीक कितनी बार झूठ बोले थे? किसने बोला था आपको बोलने के लिए? आप ही जिम्मेदार थे, किसी दूसरे ने तो बाध्य नहीं किया था. देखिए, आप पिछले पूरे वीक सुबह 5 बजे उठ सकते थे, पर वही 6 और 7 बजे उठते रहे आप, तो प्रॉब्लम बाहर का है. किसने रोका था आपको जल्दी उठने से? आप खुद ही लेट उठे थे. देखिए ना, पिछले वीक आप अपनी जो स्टडी टारगेट थे उसे पूरा कर सकते थे, इंग्लिश पे 1 घंटा इन्वेस्ट कर सकते थे, रात को 1 घंटा अधिक पढ़ सकते थे, पर नहीं किया ना आपने, तो किसने रोका था आपको? मुझे लगता है कि हमारा असली दुश्मन जो है कहीं बाहर नहीं है बल्कि अंदर ही है. ये कौन, इस अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो
तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर हम रोज़ाना इम्प्रूव करें, रोज़ाना अपने आप से प्रतिस्पर्धा करें, रोज़ाना अपने आप को बेहतर बनाएं, कंपटीशन किसी से भी ना करें बल्कि कंपटीशन अपने आप से करें, बेहतर बने, तो मुझे लगता है फिर तो हम बड़े इम्प्रूव कर जाएंगे, हम बेहतर बन जाएंगे, हम पावरफुल हो जाएंगे। तो आइए इस बात को समझे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम बाहर देखते रहते हैं और खोज हमारे को अंदर करनी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी हमारी लाइफ अच्छी बने, तो मुझे लगता है फिर हमें आपको अंदर खोज करनी पड़ेगी। देखिए ना, पिछले वीक भी हमारे किसी से लड़ाई हुई थी, किसी पे हमने गुस्सा किया था, फिर अभी 4 दिन पहले किया, फिर आज भी की हो गई हमारी। तो कहीं बाहर नहीं, समस्या अंदर है। इसलिए आइए हम सब लोग फोकस करें, अपने अंदर छुपी हुई जो कमियाँ हैं उनको पे हम काम करना चालू करें, अपनी पर्सनैलिटी को अंदर से इम्प्रूव करना चालू करें, अपनी कमियों को दोहराना बंद करें और ताकतवर बने। इसी और आशा और विश्वास के साथ कि ये बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात जो हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने वाली है, ये बात जो हमारे को ताकतवर बनाने वाली है, ये बात जो कि हमारी ईर्ष्या को ख़त्म कर देने वाली है, ये बात जो जीवन में खुशियाँ ला देने वाली बात है, ये बात जो कि हमारे को अंदर से अच्छा अनुभव करा देगी, हमारा फील इम्प्रूव कर देगी, हमारे को अधिक ताकतवर बना देगी, हमें सक्सेस के पास ला देगी, इस बात पर हम विचार करें और बाहर सुधारने की जगह अंदर काम करना चालू करें। इसी शुभकामनाओं के साथ कि हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे, आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को बियानी टीवी को सब्सक्राइब करिए। बियानी टीवी पे बहुत से प्रोग्राम हम डाल रहे हैं, बियानी टीवी पे बच्चों की काउंसलिंग के प्रोग्राम डाल रहे हैं, बियानी टीवी पे आप देखेंगे इंग्लिश है आसान और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने के प्रोग्राम है, आप देखेंगे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बियानी टीवी पे अपलोड किए जा रहे हैं, और जो दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम है इसकी भी सभी एपिसोड उस पे अपलोडेड है। आइए यूट्यूब के इस बेहतरीन चैनल पे जिसका नाम है बियानी टीवी, इस पे जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें, फिर मिलते रहेंगे, फिर बात होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है।